तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपका कंपनी में टर्मिनेशन हो जाता है, उस टर्मिनेशन के केस में आपको क्या करना है, क्या आपको कोई सेकेंड जॉब मिलेगी, क्या आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये मेरे पास कमेंट आया था कि अपसाउंडिंग केस में मुझे क्या करना चाहिए। सपोज आप किसी ABC कंपनी में वहाँ पर वर्किंग हो और आपका वहाँ से अगर टर्मिनेशन हो जाता है, अब टर्मिनेशन हो जाता है तो इसका मतलब आपको आपको एक्सपीरियंस लेटर, ऑफर लेटर तो आपको उस कंपनी के मिलेंगे ही। जब आपको डिलीविंग लेटर मिल गया या एक्सपीरियंस लेटर आपको जब मिला, तो उस एक्सपीरियंस लेटर पे ये मेंशन होता है कि आपका किस वजह से टर्मिनेशन हुआ है। इन द सेंस कि उस एक्सपीरियंस लेटर पे ये मेंशन होता है कि कंपनी का बजट नहीं था या कंपनी बंद हो रही है। तो इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है और वो एक्सपीरियंस लेटर पे मेंशन है, तो उस केस में क्या होता है कि जो जब आप नेक्स्ट कंपनी में जाते हो ना, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हो, तो वहाँ पे जॉब मिलने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। बस आपका इंटरव्यू क्रैक होना चाहिए या उनकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो जो उन लोगों ने मैंडेटरी कर रखी है वो आपकी होनी चाहिए। बाकी बाकी जॉब मिलने में या उनको जॉब देने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड दोस्तों जो सेकेंडरी थिंग्स होती है वो क्या होती है कि जब टर्मिनेशन लेटर होता है उस केस में, जब आप कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, कोई हरासमेंट केस हो या किसी चोरी की वजह से हो, उस केस में अगर आपका टर्मिनेशन होता ना, तो इसमें डिपेंड करता है क्योंकि कंपनी जेमेंसीज कंपनी फिर आपको जल्दी से नहीं देती हैं। बट ये नहीं कि जॉब मिलती ही नहीं है, जॉब मिलती है, अच्छी मिलती है। मान लो अब वही सोच लो, कोई अगर बंदा है और उसका कहीं से टर्मिनेशन हुआ है, उसने 2 साल जॉब करी उसके बाद टर्मिनेशन हुआ, इसका क्या मतलब वो 58 साल फ्री बैठा रहेगा? मतलब उसको कभी जॉब ही नहीं मिलेगी या जॉब नहीं करेगा? तो ऐसा नहीं है। हरेसमेंट केस में थोड़ी और प्रॉब्लम होती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, चोरी होता है तो उसमें और थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके के केस अगर होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी जो मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन बताया उसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आई होप इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि अब अपसाउंडिंग के केस में क्या होता है, टर्मिनेशन के केस में क्या होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।